एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर, और हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको मौका दिया जाए प्रोग्राम में शामिल होने का। और याद रखें कि सेगमेंट में सिर्फ बात आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर होगी। तो जनाब कॉल्स का सिलसिला आपसे कुछ देर बाद शुरू किया जाएगा। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए। मौजूद मेहमान का तारुफ ये कि माहिर हर्बलिस्ट हैं, उसके साथ साथ तहकीक के शोबे से यानी कि जड़ी बूटियों के ऊपर तहकीक से वाबस्तगी आपकी है, और इस पेशे से या इस तहकीक के सिलसिले से आप गुज़िश्ता 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, आप इससे वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से काम भी कर रहे हैं। कुछ ऐसी बीमारियों के ऊपर भी कामयाबी हासिल हुई है इलाज में जो कि लाइलाज समझा जाते हैं। तो आज जो मौजूद मेहमान हैं, सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और फिर मुख्तलिफ सवालात को प्रोग्राम में शामिल करूँगा। मौजूद मेहमान हाजी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब तशरीफ़ फरमाएँ। आज ही के रोज़ हमारे साथ इस प्रोग्राम के सेगमेंट में दूसरे मौजूद होते हैं, एक दफ़ा फिर उन्हें खुश आमदीद करूँगा। हाजी साहब बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अजी साहब सवालत तो बहुत सारे हैं, मैं हमेशा आपकी खिदमत में रखता हूँ और आज भी यही करूँगा। तो हम सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आज प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहे हैं आपका तरीक़ा इलाज जान लें, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को बाकायदा शुरू करते हैं। फरमाइए। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, मेरा तरीका इलाज बहुत आसान है। सबसे पहले कुरान पाक के ज़रिए, कुरान पाक के बाद जो जड़ी बूटियों के ज़रिए, जो 42 साल से ज़्यादा वक्त मुझे हो चुका है जो इसका तहकीक करते हुए, उसमें जड़ी बूटी से दवाइयाँ तैयार करते हुए, जिसमें दुनिया की बका शांति के लिए, इंसान की शांति के लिए कोशिश करो, दिन रात मेरा ये काम चलता है। रिसर्च होती है दुनिया जहान के लिए, सारे मामला देख जाते हैं, कोशिश होती है कि सभी बका शांति हो जाए। हर आने वाला 2 बोतलें पानी भरी हुई लेके आता है, तो दम करके उसको फ़ौरन वापस करते हैं, उसी वक्त वापस कर दी जाती है। जैसे वो इस्तेमाल करता है अलहमदिल्ला वो शफा पाते हैं। तो ये मेरा तरीक़ाकार ये है, जड़ी बूटियाँ उखला मिला ही ठीक है, इसके ज़रिए इलाज किया जाता है। चाहे किसी भी किस्म का आपको मर्ज़ हो उसका इलाज मुमकिन है। जनाब अब ये फरमाइएगा कि मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता और जो प्रोग्राम हमारा रहा उसमें चंद सवाल थे जो सर्वाइकल के हवाले से, मोहरों के दर्द के हवाले से, बहुत ज़्यादा अब ये जो मसला है वो बढ़ता चला जा रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके हवाले से फरमाइए कि क्या इलाज है और इसका इलाज मुमकिन है, क्योंकि जो लोग अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो वक्ती तौर पर तो असर रखती हैं, उससे फ़ायदा होता है, तमाम जैसे ही वो इस्तेमाल करना तर्क कर देते हैं वो फिर से मसला दोबारा शुरू हो जाता है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। यासर आपकी बात बहुत सही है, यहाँ वजूहात बहुत सारी हैं जी। सबसे पहले हमारे ऊपर अजाब नाजल है, कॉर्टिसोन का अजाब नाजल है कि वो फ़ौरन ठीक होने के लिए वो दी जाती है, उसके बाद पूरा जिस्म बर्बाद, तबाह बर्बाद। 99% किसी मरीज़ को नहीं पता कि वो जहर खा रहा है। एक आध को कोई पढ़ा लिखा है, उसने मेडिकल से ताल्लुक है या उसे मालूम है कि वो जो है ना कॉर्टिसोन खा रहा है। ठीक है, उसका ये है कि उसके ऊपर आम दवा असर नहीं करती, कोई दवा असर नहीं करती। एक वक्त आता है वो खुद भी असर नहीं करती जी, वो बंदा फारग हो जाता है। हमारे पास जो जड़ी बूटियों के इलाज है इसके जरिए है, उखराम इलाज के जरिए जो इलाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बड़ी अफादियत यह है कि ये कॉर्टिसोन वाले मरीजों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उनको एकदम कॉर्टिसोन बंद करना गलत है जी। बहुत बुरा अंजाम देखा है। ये नहीं कि वो मरीज जो कॉर्टिसोन छोड़ने बाद अपना कपड़ा नहीं पकड़ सकते, बाकी छोड़ दो वाशरूम जाना तो बहुत दूर का मामला है, हाथ तो उठा के खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, वो अपना कपड़ा नहीं पकड़ सकते। उन सब का इलाज होता है, वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं, जब अपना इलाज मुकम्मल कराते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ऐश करते होते हैं। आज भी कहते हैं दुनिया हमारे पास हज़ारों के लाखों लोग हैं जिन्होंने इलाज किया तो अभी तक ठीक है। जैसे आप मसाले के कहते हैं कि सोरासिस नाकाबिल इलाज मर्ज है, हमारे पास एक साहब इलाज कराते थे 1990 में उसका इलाज, उसका ये आलम था कोई उससे सलाम नहीं करता था, दूसरे कहते ठीक है क्यों, पूरे हाथ पूरा जिसम उसका गल चुका था और बाद उससे बदबू भी आती थी, जख्मों से बदबू भी आती थी, लेकिन उसका इलाज हुआ। उस शख्स ने बड़ी मेहनत की, 1.5 साल मेहनत की, उसके बाद वो ख़त्म होते 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 और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद 15 साल के बाद फिर हुई थी, वो चंदन में वो ठीक हो गई, आज तक वो अपनी ज़िंदगी में सही है। देखिए यहाँ झगड़ा खड़ा हुआ है, झगड़ा ये कि एक है मौके मजे लेने वाले, एक इलाज कराने वाले, बाद चाहता नाराज नहीं होना। मौके मजे लेने वालों का इलाज आसान नहीं होता कि वो हर चीज़ खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए।
एक वो हैं जो को ज़िंदगी चाहते हैं, उन्हें शफा चाहिए, वो खाते हैं जिनको कहा जाता है, ठीक है। परहेज़ करते हैं, परहेज़ करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। लेकिन जो परहेज़ नहीं करते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा। चलिए छोटी सी मिसाल दूँ, मेरे पास जी एक शख्स ज़र इलाज था, उसको मुँह का कैंसर था, गुटखा खा खा के उसका मुँह बाहर आया, तो उसके मुँह में कीड़े पड़ चुके थे, बहुत बुरा हाल। इलाज हुआ माशाल्लाह ठीक, उसका सगा भाई साथ रहा, वो भी गुटखा खा रहा है। उसको मैंने बोला अपने भाई का अंजाम देखो, वो बाद देखेंगे। चंद दिन बाद, 6 महीने बाद उसको मुंह का कैंसर हो गया, गुटखा छोड़ना पड़ा। क्या रातों गुटखा डाल के मुंह में रख के सो जाते थे, सुबह उठ के तो उसे धूप चबा के सोते थे, जब तक वो अपना काम पूरा करता था। तो बात इतनी सी है कि ये दो रास्ते हैं, एक तो शफा बका का, एक बका का नहीं है। जी मुंह के मज़े छोड़ो, कलाम इलाही जो दी जाए वो पढ़ो, मुंह के मज़े छोड़ के जब आप जड़ी बूटियाँ खाते हैं, खाने को जो चीज़ें बोली जाती हैं वो खाते हैं, आप अपनी असल ज़िंदगी में आ चुके होते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आपने छोटी सी मिसाल आपने जो बात की है, मैं इसका जवाब दूँ कि दमे का मरीज़, ये मौसम उसके लिए अज़ियत है, तकलीफ़ नहीं है, अज़ियत। दमे के मरीज़ जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है वो रात को बैठ के सोते हैं, वो लेट के नहीं सो पाते, सांस नहीं ले जी पाते। मोर वालों का भी यही हाशल है कि वो हिल नहीं पाते। हमारे टीवी प्रोग्राम में कि दूसरी जगह भी मेरे आ चुके हैं, वो मोरों के मरीज़ जिनके मोरे बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये मुमकिन भी नहीं, ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं, सब ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, फूट चुके हैं। अलहमदिल्ला सुम अलहमदिल्ला आज वो बीमारी इसी क्या नाम है मीडिया चैनल से वाबस्त हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक हैं, जो ढांचा बन गया माशाल्लाह था आज वो वापस अपनी ज़िंदगी में आ चुका है, आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास। माशाल्लाह हमेशा से मना करता था मोटरसाइकिल मत चलाना कभी, तो लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसके पास मोटरसाइकिल अलावा रास्ता नहीं था। फिर वो मोटरसाइकिल पे आए, आस्ता आस्ता मेरे पास आए। पहले तो वो वॉकर पे आता था, वॉकर लेके आता था, उसकी जी बहुत नेक भी, उसकी बीवी वो बच्ची इतनी प्यारी है, अल्लाह उसको सलामती रखे, जो अपने शोर बच्चों की ख्याल रखती है, अल्लाह हर सबको इसे नेक लोग नसीब करे, औरत को मर्द, मर्द को औरत नेक नसीब करे। अंजाम ये हुआ कि खिदमत करते 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 मौका छूटा मोटरसाइकिल पे, आज अपने माशाल्लाह काम कर रहा है, 10 घंटे 20 घंटे आप लोगों के साथ ये कैमरा के सारे काम करते मीडिया पे। लेकिन यहाँ सवाल तो ये कि ये फ़र्क क्यों आता है, जी सवाल ये है ना, फ़र्क क्यों? यहाँ से ने प्रेस किया तो यहाँ से तो ठीक हो गया, ठीक है। और बाकर ने खाने में जो कुछ मिला सब खाया, बोला जब 2 दिन की ज़िंदगी खा लो पी लो, हर आप ठीक शख्स हो, यही कह ज़िंदगी रहा गुजार रहे हैं, वो बैठ के रो रहा है। फर्क ये है, ऐसे उसने ही मौके मज़े लिए, आपने ज़िंदगी मज़े लिए। बिल्कुल ऐसे ही। ज़िंदगी मज़े लेने वाला कामयाब रहता है। आजमा के देख लो, तमाम सुनने वालों को मैं कहता हूँ, एक शख्स सेहतमंद है, उसके वजूद में कोई कमी नहीं, उसे शदीद भूख लग रही है ना, वो 1 साल पानी रोटी हुई ऐसे झाड़ के खाएगा, मज़े लेके रखेगा, जी क्यों? उसके पास सेहत है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर कुछ नहीं मिले बोला मैं 10 पत्ते खा लूँ, मैंने वो लोग भी देखे बिल्कुल ठीक है। घास निकालते हैं तो वो कह रहे हैं धो के बुझवा के खा लेते हैं, बड़ी भूख लग रही है, क्यों? उसका पेट कबूल कर रहा है, मैदा कबूल कर रहा है, उससे हर चीज़ हजम हो रही है। लेकिन एक बीमार के सामने 10 नेमते रख लो, वो मुंह फेरने का नहीं या दिल नहीं चाहता, ऐसा ही। तो ये फैसला मैं और आप नहीं कर सकते, ये मरीज़ खुद करेगा। जितने लोगों के इलाज होता है उस इलाज में इतने मोटे मोटे आते हैं, वो दुबले होते हैं, फिर उनको बोलते हैं मेंटेन रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हर चीज़ बेहिसाब नहीं खाना, जो आपको बताया इस पर चलना, कभी कभार ऐसा हो तो तुमने ये काम करना है। जिन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा वो आज भी माशाल्लाह यहाँ से जो यहाँ है वो उसी हालत में, और जिन्होंने मेंटेन नहीं रखा जाके बिरयानी जर्दा बिरयानी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम कढ़ाई फ्राई कराची से लेके बाहर जाके वहाँ खाना चर्बी के खाने दबा दबा के खाना, उसके बाद दोबारा बोले क्या हुआ जी फैटी लीवर हो गया, फिर मैदे बहुत तकलीफ है, पेट में दर्द होता है, और क्या नाम है गैस बहुत ज़्यादा बनती है, और अब तो शुगर भी हो गई है। ये ज़िंदगी में आने की कोशिश करो, ज़िंदगी से जाने की कोशिश ना करो। बिल्कुल ऐसा ही। ज़िंदगी में कैसे आओगे? परहेज करोगे, इलाज करोगे, तो उसके बाद आप ठीक ठाक हो जाओगे, और ज़िंदगी जाने का मामला कुछ और है। खा लो पी लो, जान ना लो नहीं, खा लो पी लो, आगे का रास्ता तैयार कर लो कि आगे कब्र इंतज़ार कर रही है। ये फैसला मैं आप नहीं कर सकते, ये मरीज़ ने खुद करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास माशाल्लाह अभी नई नई चीज़ें बनाई हैं, तैयार की हैं, नई दवाइयाँ तैयार की हैं, और जिन लोगों को जो जो दी अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने वो मुआवजे किए जो हमारी सोच तसव्वुर में मिली। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे पास एक मरीज़ आया था, उसको माँ का शायद 4 ऑपरेशन उसे किए पेट के, या 5 किए, छठा होने वाला था।
तो उन्हें बोला जी आखिरी ऑपरेशन है, इसके बाद ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन तो किया लेकिन उसे कट लगे इस जगह पे जहाँ पर अब उनके पास भी इलाज नहीं, गोश हड्डी से हड्डी आंत कट गई, टूटी गई। अब इतनी तकलीफ में था कि उसकी बीवी एक फरिश्ता औरत, वो खड़े खड़े पखाना करता था, खड़े खड़े पेशाब करता था। उसकी बीवी फिर उसको धो के साइड पर करके जाके लिटाती थी, फिर पूरे वाशरूम में धोती थी। वो एक वक्त वो आए, वो बिल्कुल ठीक ठाक हुआ, आम आदमी तरह पेशाब पखाना भी करने लगा, उठने बैठने लगा, खाने पीने लगा, भागने दौड़ने लगा। ये अल्लाह की करम नवाजी से मेरी खूबी नहीं है, खूबी सिर्फ अल्लाह की है, मेरी कोशिश है। लेकिन मैंने जो बात की ना, फैसला यासर और दीन मोहम्मद नहीं कर सकता, ये हर शख्स ने खुद करना है। बिल्कुल ठीक है, मौके मज़े छोड़ेंगे ज़िंदगी मज़े मिल जाएंगे, आगे इसमें आना तो रास्ता यही। बिल्कुल ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है जी इसके ऊपर, इसलिए हम बड़ा जोर दिया जाता है यहाँ पे कि परहेज़ का रास्ता इख्तियार करना है, और ख़ासतौर पे खुराक का जो इस्तेमाल है बहुत एहतियात से करने की ज़रूरत है। कोई भी प्रोग्राम हो सेहत के हवाले से, सबसे ज़्यादा जो आज इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है वो यही चीज़ है। अच्छा जी, अब ये कि ये जो अभी मोहरों के दर्द के हवाले से बात करी थी, इसके ऊपर तो हमारी गुफ्तगू हो गई है। अच्छा, लिवर सोरासिस के हवाले से भी कुछ सवाल हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से भी चंद एक सवाल मौसूल हुए थे, मैं जाऊँगा ज़रा इसके बारे में बताइए कि क्या इलाज है जी। देखें, पेशाब के वदूद काबिल इलाज, और अभी तक जितने लोग हमारे पास आए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने इलाज किया, अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे, उन्हें कोई छुट्टी नहीं। उनके लिए छोटा नुस्खा बता देता हूँ, बड़ा आसान है। पहला काम तो है कि बड़ी हाड़ का पाउडर सुबह उठते ही एक गिलास नीम गर्म पानी के साथ आधा चमचा मुँह में डालें, ऊपर पानी पी लें। शाम को रात को किसी भी टाइम में ये क्या नाम इसको वदूद वाले ये याद रखेंगे, चाय कम से कम पिए या छोड़ दें, इनके लिए जहर का पहला चाय। शाम को या रात को एक गिलास दूध में दो गिलास पानी मिला के वो लाजमी किया है। ये आसान हो सब उनकी ज़िंदगी आसान करने का तरीका यही है। टेंडा लोकी तोरी करेला ये इस्तेमाल करें, और बकरे गोश रोटी डबल रोटी यहाँ तक मौजूद रहें। देखें, जो चीज़ मेरे सामने मौजूद है कि बोलते हैं कि आ बैल मुझे मार, अगर हम लोग कहीं जाते हैं इलाज के लिए तो वहाँ पर तकाजा ये बनता है कि हम अपनी शफा के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ से हम कुछ और लेके आ जाए तो हमारी ज़िंदगी में क्या नाम है एक नया अजाब खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही। अब कितने लोग मेरे पास आते हैं जो क्या नाम है थ्री पीस सूट में आते थे, अब वो सब शलवार कमीज में आते हैं जी, वो पैंट नहीं पहन सकते। बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ जी, हमने इसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन करने के बाद अब हमारा पेशाब नहीं रुक रहा है और वो मुसलसल बेहतर है। तो एंड ये निकला कि डॉक्टर ने बोला वाल लगा लो, ये पानी के वाल लगते हैं ना पानी जी, के अब इंसानों में वाल लगते हैं ऐसे ही वाल, तो उसमें वाल लगा दिया। जब पेशाब भर जाता है मसाने में जाते हैं वाल खोलते हैं और निकाल के, तो उसको पूरा पेशाब करने के बाद फिर वाल लगा बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद फिर उसे धो धा के फिर कपड़े पहन लेते हैं। जब वो कहते हैं कि इससे पहले बेहतर था, पेशाब रुक रुक के आ रहा था लेकिन ये आज़ाद नहीं था, अब वो कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये जो मैं सुन रहे मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन ऐसे लोग मेरे पास जरूर आए, अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक है कि उनका वही सिस्टम अल्लाह ताला ने बना देना जो ओरिजिनल था, सुम इंशाल्लाह, यकीन अल्लाह पे कि इंशाल्लाह ताला कि उसके दोबारा वही होगा, पेशाब आएगा भी रुकेगा भी, जाके करेंगे भी ख़त्म भी होगा, जो नेचर सिस्टम वो बहाल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यही चीज़ आप जो बार बार बवासीर के वो ऑपरेशन करवाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि वो पहाड़न डायरेक्ट मश हो जाता है, जो उसको रोकने के जो रिंग बने होते हैं जी, चाहे इंसान है गाय भैंस है एक सिस्टम एक ही। बिल्कुल ठीक है, जो वो काट करके निकालते रहते हैं उसके बाद वो डायरेक्ट निकलता रहता है। बिल्कुल ठीक है, अगर इस दौरान मोशन लग जाए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह के ना तो घर में रह सकता है और ना कहीं शादी ब्याह में किसी गम खुशी में जा सकता है, इसलिए कि घर में भी होता है तो वो घर वाले उसके पेपर बना के रखते हैं और फिर भी उसमें कितनी कहना स्टोर होगा, बदबू तो निकलेगी ना, चलो माना कि पहाना उसमें रुक गया पेपर में रुक गया, देखो उसमें बदबू तो अभी तक ऐसा कोई पेपर तो नहीं निकाला है जिसमें बदबू भी रुके, अगर आपको हो तो मेरी रनमाई ज़रूर करना कि मेरे इलम में इजाफा हो जाएगा। ये तो माना कि पहाना रोकने के लिए है, लेकिन ये अभी तक नहीं निकला कि उसकी बदबू रोकने के लिए भी है, बदबू तो आएगी पूरे घर में फैलती है।
तो वो लोग भी आए आके दिखाएं, मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन ये यकीन है कि अल्लाह ने खैर करनी है इंशाल्लाह ताला। मैंने ये चीज़ें बहुत देखी, बार बार देखी। वो लोग हमारे पास, बहुत पुरानी बात है कि एक साहब आते थे, बोला कि मुझे कब्ज़ की शिकायत है, ये मैं लोगों की आगाही के लिए बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्या बोला? मुझे कब्ज़ की शिकायत है, मेरी कब्ज़ नहीं ख़त्म हो रही है, मैं 5-6 साल से कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने पूछा तुझे पखाना आता है? बोला पखाना ना बराबर आता है। मैंने कहा सख्त होता है? नहीं, बोला नॉर्मल होता है। मैंने कहा नॉर्मल कब्ज़ का तो काम ही नहीं है, कोई और मसला हो गया? नहीं, कोई और मसला नहीं है, सिर्फ कब्ज़ का मामला है। वो साहब यहाँ से चले गए, अमेरिका चले गए। तो वहाँ जाके पहुँचे तो मालूम ये हुआ कि कहानी कि उसके वहाँ फिर तकलीफ़ हुई है। वहाँ किसी हॉस्पिटल में जाके देखा तो उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करने बाद उसको बोला कि आपकी पखाने की आंत में 8 इंच का हिस्सा जो है ना, उसमें कैंसर है। उन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके वो पूरा हिस्सा निकाल दिया। फिर निकाल के बाकी उसने ऑपरेट करके अपनी सेटिंग कर दी। जब उसका बिल आया था, $1,00,000 में था। उसने बोला मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरे पास वो कुछ नहीं है। बोला कि यकीन माने हाजी साहब, ये बात बता रहा हूँ सन 2000 की। वो कहता है मुझसे एक लफ्ज़ नहीं पूछा, मुसाफिर मेरे पास पैसा नहीं है। वो हंसते मुस्कुराते बोले जाओ, रिपोर्ट मेरे साथ दे दी, चले जाओ। अगर ये हाल हमारे पास यहाँ कभी हो सकता है, तसव्वुर नहीं कर सकते। मुमकिन अभी आपके बैंक में, आपके किसी भी हॉस्पिटल में जाके चले जाएं, आपने तो बोलेंगे 2 लाख जमा कर दो। नहीं जी। अभी 50,000 खर्च नहीं हुआ, 1.5 लाख बाकी, फिर बोला 2 लाख और जमा कर दो। अभी 1 लाख पे खर्च नहीं हुआ, बोलेंगे 4 लाख और जमा कर दो। जी। ये हमारा आंखों देखा हाल है, ऐसे ही अलहमदुलिल्लाह, ऐसे ही आंखों बिल्कुल। देखा हाल है। यानी कि वो एडवांस में इतने पैसे जमा कर लेते हैं कि बाद में उनको उनसे मांगना ना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही। अभी मेरे पास हाल ही में एक मरीज़ आया, तो वो खातून हमारे पास, वो पहले उसकी बेची का इलाज हुआ, अब उनका इलाज हुआ। 7 दिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। उसे क्या हुआ, तो वो उसको वॉशरूम गई, थोड़ी सी कब्ज़ थी, तो क्या वो वॉशरूम से बाहर निकली तो थोड़ी आगे गई तो उसे चक्कर आ गिरे, देखा तो मालूम हुआ कि पूरी शलवार खून से भर गई। खून से भर की देखा, खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। वो कहीं पर खाना खाते हुए कोई जगह छिल गई, उससे ब्लीडिंग हुई, शायद वो नस छिल गई हुई या कट गई होगी, जो भी है। लेके प्राइवेट हॉस्पिटल गए, 7 दिन में 7 लाख रुपये खर्च हुए। जिसके पास नहीं, वो क्या करेगा बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही। और रिजल्ट क्या आया? ज़ीरो। अभी तक उनको कुछ खबर नहीं कि इसमें ये खून कहाँ से आया, बिल्कुल ठीक। एंडोस्कोपी होगी, फलाना हो गया, निमकाना हो गया, सारे टेस्ट हो गए, आया अलहमदिल्ला मेरे पास आके इलाज का, तो आज अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक है। मैं उनका प्रोग्राम आपको भेज दूंगा, मैं ज़रूर भेजिए। ठीक है ना? अच्छा, ये कुछ सवालात हैं जी। जो फालिज के हवाले से हैं, पैरालिसिस के ऊपर बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। एक सवाल ये आया था कि क्या इसका इलाज मुमकिन है, क्या आपके ख्याल में कि किसी भी मौके पर इसको ठीक किया जा सकता है? क्योंकि कुछ एक जगह पर ये बात हो रही है कि अगर ये शुरू में अगर पेशेंट को लेकर आ जाएं जब ये अटैक होता है तो शायद ट्रीटेबल हो या इसका इलाज मुमकिन है, ये इसमें सच्चाई कितनी है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बात करें जी। नहीं यासिन, मैं आपकी बात 100% सही मानता हूँ। शुरू में आने में इससे जल्दी फ़ायदा होता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इख्तियारात शफा का अल्लाह के पास है। बिल्कुल ठीक है। वो किसी भी उम्र में किसी भी हिस्से में वो शफा देता है, दे सकता है, दे सकता नहीं है, देता है। मैंने आंखों से देखा। बिल्कुल ठीक है। मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि लकवा मुँह टेढ़ा हो जाता है, वो पानी पीते हैं वो नीचे गिर रहा होता है, चबाना तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। मुँह के ऊपर नीचे के जो दोनों हिस्से वो क्रॉस हो जाते हैं, ऊपर के दांत इधर होते हैं और नीचे के दांत उधर होते हैं, और पूरा मुंह टेढ़ा होता है। वो 1-2 महीने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होते हैं, लकवा बिल्कुल ठीक ठीक होता है। है। इसी तरीके से फालिज वाले भी ठीक हुए, ऊपर नीचे कई लोग आए। इतफाक़ की बात है, 1 महीने में 10-20 लोग भी फालिज वाले आए, लेकिन ये इलाज कम से कम 4 से 6 महीने या 1 साल भी जाता है ठीक है। वक्त के साथ साथ। देखिए वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हुए अलहमदिल्ला, उनकी ज़बान साथ ही देती है, ज़बान भी खुल जाती है, जो दिमाग पर असर होता है वो भी ख़त्म होने लगता है, दिमाग डैमेज होता है तो वो भी ख़त्म होता है। ये छोटी सी मिसाल दूँ, कल की मिसाल देखो मैं आपको, ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस बच्ची का नंबर मैंने कल ले लिया। एक बच्ची मेरे पास थी, उसका बच्चा है, नहीं पता है 8 साल का या 9 साल का बच्चा है। उसे मिजल दो दिमाग में कीड़ा घुस गया, उसके दिमाग को डैमेज कर दिया।
बच्चा जो है ना हंसता खेलता घूमता फिरता और होते होते लेट गया, आप पैरालाइज टोटली, और बिल्कुल उसका वजन ख़त्म हो के ना ढांचा बन गया। ओहो आज उसका 11वां दिन है मेरा ख्याल है, 10 दिन पहले आई थी। इस 9 महीने में सारे दुनिया के टेस्ट सारे काम हो गए, लेकिन कोई उसका रिजल्ट लाने का सुनो नहीं, ला इलाज कर दिया, सिर्फ ये कहा बच्चे 3 दिन से पूरे कर। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, तेरा खरबों करम है, 10 दिन पहले उसका इलाज हुआ, तो कल उस बच्ची ने बताया कि अब बच्चा वो रो भी रहा है, पहले रोने के काबिल भी नहीं था, अब वो छींक भी रहा है इसके काबिल भी नहीं था, और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल आखिरी स्टेज की तरफ जा रहा था। उनको भी ये था कि चंद दिन का मेहमान है, जो उस डॉक्टर से उनको बताया। 10 दिन के अंदर या सिर्फ 3 किलो वज़न बढ़ा, मेरी खुशी की इंतहा। माशाल्लाह और वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में आ रहा, हाथ भी उठा रहा है, पहले तो बार बार यूं यूं जटे लगते रहते सबसे, लेकिन कल मैं उसे कभी ज़रा ज़रा कभी कभी बोलता, मैंने कहा बेटा चंद दिन की बात है, तुम परेशानी हो, जितना कुछ मेरे बस में होगा मैं आपका साथ दूंगा, जितना मेरे बस में मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन इस शर्त पे आप इलाज अधूरा नहीं छोड़ोगे। बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कल उस बच्चे को देख के बड़ी खुशी है। मैंने आपको बोला इससे पहले भी हमारे पास ये मरीज आ चुके हैं, या हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर है, प्रोफेसर है, उसके ड्राइवर का बेटा था, उसके दिमाग में खसरे का जरासीम चला गया और दिमाग को खा के पानी बदल लिया, वो अपनी ज़िंदगी में ख़त्म से नहीं पता कौन हो क्या है क्या नहीं। उसका इलाज शुरू हुआ, वो तो बिल्कुल लास्ट स्टेज से अल्लाह ने करम किया, वापस आया माशाल्लाह। और आके 80% ठीक हुआ। तो उसके हस्बैंड को किसी ने बताया कि किसी मौलवी साहब ने बोला, मैं तो यूँ चुटकी बजा के खड़ा कर दूंगा, इस पर तो जादू है, अच्छा इसके साथ जिनान लगे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बात गौर से सुनना, बड़े काम की है ये, तो मैं कदम कदम में काम आ गई, मैं चुटकी बजा के खड़ा कर दूंगा, 15 दिन का तो दौड़ेगा। उसकी बीवी ने बोला, बोला कि भाई इस तरह की बात है, मैंने कहा बीवी मेरी तरफ से पाबंद नहीं है, जहाँ चाहो इलाज करो, लेकिन आज तक ये अपनी ज़िंदगी में आ चुका है, कम से कम 6-7 लाख की दवाइयाँ वो हम लोग अपनी तरफ से दे चुके हैं बिल्कुल ठीक है। जो ज़िंदगी में लाने के लिए। जाके उनसे इलाज शुरू किया तो अल्लाह रहम करे वो 15 दिन में नहीं तो 25 दिन में कब्रिस्तान पहुँच गया। अब उसकी माँ रोती हुई आई कि मेरे शौहर को क्या हो गया था, उसने मौलवी साहब की बातों में आके ये किया और क्या कौन सी क्या पढ़ाई की मुझे पता नहीं। मैंने कहा बीवी हमारा काम नहीं है, हमारा काम था शफा का, जो मेरे पास है, जो मेरी खिदमत थी वो हाजिर थी, मैं कर चुका हूँ, बिल्कुल ठीक वो है। अपनी ज़िंदगी में आ चुका था 100%। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता मैं। तो ये मेरे लिए एक मसाल है, लेकिन आपके लिए भी मसाल है कि बिल्कुल आप देखिए जितने बोलते हैं, यासर तो बुरा नहीं मानना मेरी बात का, होता क्या है कि आप सो के पास जाओ, बोले आपने जादू किया, बंदिश की है, अच्छा भाई ठीक है जी जादू बंदिश का उतार दो, तो बोला जी मेरे बस में नहीं, तो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है तो यासर ये झूठ फ्रेम ने दुनिया तबाह कर दी। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके साथ बैठता हूँ, आपके पास मेरी क्या नाम है, कितनी रिपोर्ट्स आपके मोबाइल में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल आप मौजूद साजिद रुकमान को ले लो, बाकी लोगों को ले लो। जी उससे जी पहले एक बच्ची आई थी 2014 या 2015 में, शायद आपको याद होगा जी जी कि वो जी जी जिसके दौरान हमल जो है ना बीपी शूट कर गया जी और जी बच्चा जी पेट में मर गया था। बिल्कुल ठीक है। अभी सब गुफ्तगू जारी रखते हैं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान हाजी दीन मोहम्मद अखुंदज़ादा साहब तशरीफ़ फरमाए हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी मुख्तलिफ आपकी बीमारियों के हवाले से, सेहत के हवाले से मसाइल पर। अच्छा साहब, कुछ देर पहले आपने तذکرہ किया आपके असरात का, और ये जो दम किया हुआ पानी है ये देने का क्या मकसद है, आज भी ये लोग सवाल कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में ज़रूर बताइए, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है या हो रहा है, ताकि सुनने वालों को इसके बारे में पता चले। जी फरमाइए। पानी इंतहाई ज़रूरी है
जब पानी लेके आते हैं तो मैं कलाम इलाही पढ़ के पानी में फूकियों को वापस देता हूँ। ठीक है, जब लोग मेरे पास आते हैं इलाज कराने के लिए, जो मेरे पास कलाम इलाही पढ़ा पानी उनको छींटे मारता हूँ और पढ़ के उनको दे देता हूँ। ठीक है, इससे आपके सारे इलाज एक साथ स्टार्ट होते हैं। ठीक, आप पे जिन्नात हैं, मुगलात हैं, आप पे जादू है, आपके बीमारी हैं, सब एक साथ कट रही होती है। हर बीमारी का इलाज अलग अलग नहीं करते हम, सबका इलाज एक साथ करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये जो पानी पढ़ के देते हैं, पानी और उनको जो वापस दिया जाता है पढ़ने के बाद, वो लोग पानी पीते भी हैं, और जो पूरा ख़ानदान है 2, 4, 10, 20 लोग हैं, उस पानी में इजाफा करते रहते हैं। कोई भी एक शख्स बावजू होके बिस्मिल्लाह अल्लाह पर पढ़ के जहाँ जहाँ जिसको तकलीफ है 3 बार छींटे मार के इतना पानी पी लाता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेकंड में जवाब आ जाता है। 2 सेकंड में जवाब आ जाता है कि दर्द में कितनी बेहतरी है, या 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद उन लोगों को ठीक हो चुका होता है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, और ये जो इलाज मैं कर रहा हूँ ये नबी के ज़माने में जो मैंने पढ़ा है मुझे वहीं से मिला है। ठीक है, आपको याद होगा जो एक मुसलमानों का कुछ एक काफिला एक रात एक गांव में ठहरा था, यहूदी सरदार की बेटी को बिच्छू ने काट दिया। बड़ी दास्तान बस में मौजूद है, हमारे क्या नाम है हादिस में मौजूद है। तो वो वहाँ पर पानी फड़ के उनको बच्ची को दम किया, पानी पिलाया, बच्ची ठीक होगी, वही चीज़ मेरे पास है। उस तरह मैं दम पानी पढ़ के दम करके लोगों पर लाता भी छींटे मारता हूँ। उस समय वाकई पूरा सुना दूँ कि जब जो कुछ उलमाए कराम ने सुनाया, बार बार सुनाया, हदीस के रोशनी से सुनाया, कि ये बात पूरी इसलिए करना चाहता हूँ कि बात अधूरी ना रह जाए। ठीक है, पूरी बात समझना आसान होता है, अधूरी बात समझना नामुमकिन है। तो जब हकीमों ने जवाब दे दिया था, वो किसी ने कहा कि या मुसलमान आके ठहरे हैं हमारे गाँव में, तो वो आसमानी के साथ यानी कुरान पाक से फ़ायदा उठाते हैं, अगर आप कहो तो उनसे बात करें। बोला बात कर लो। जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा जी ठीक है, कोशिश करते हैं, मेरा दावा नहीं है, मैं भी यही कहता हूँ, कोशिश करते हैं, मेरा दावा नहीं है, अगर आके बच्ची ठीक होगी इसके बदले में हम 40 बकरियाँ लेंगे, वो जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करें, उन्होंने कबूल की, ठीक है, वरना आपको वापस ला के देंगे। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने पानी पर दम करके बच्ची को छींटे मारे, बच्ची ने आँखें खोली, बच्ची बैठी, बच्ची को पानी पिलाया, बच्ची की जिंदगी में आ गई। सुबह को रात को क्योंकि खादत तवाज़ो भी हुई, सुबह को उनको क्या नाम है 40 बकरियाँ दी, वो बकरियाँ लेके मदीने में पहुँचे। यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आप जान कुर्बान हो, मेरे महबूब, आपसे पूछने का टाइम नहीं था, आपके पूछे बगैर हमने ये अमल किया, हमें ये नहीं पता गलत किया या सही किया, जो आपका हुक्म होगा हमने वही कुछ करना है, उसके मुताबिक चलना है, आप बताएं अब हम आगे क्या करना है। रसूल पाक सल्लम ने कहा कि बिल्कुल सही है, इसमें मेरा हिस्सा भी होगा। तो आज जो मैं पानी पढ़ के देता हूँ, ये अमल नबी के ज़माने से स्टार्ट है, आज नहीं है, और इसी से लोगों को शिफा मिलती है, इससे बका होती है। आपके पास मेरे पास ऐसी कोई दुआ नहीं है जो जो जिन्नात को दूर कर दे, ऐसी दुआ नहीं है कि जो मुगलात को दूर करे, ऐसी दुआ नहीं है कि जो जादू को ख़त्म करे, लेकिन कलाम इलाही ऐसी मौजूद है जिससे शफा पाते हैं। तो ये दुआ और दुआ दोनों को लेकर चलता हूँ, तो ये हमारे मज़हब का हिस्सा है, जो मैं दुआ दुआ को दोनों लेके चलता हूँ, तो अल्लाह शफा देना, मैं कोशिश करता हूँ। हम अपने पुमान में एक बात आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बिल्कुल बिल्कुल, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, जितना भी शदीद बुखार है उसी हालत में, तो इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह वापसी में हंसता मुस्कुराता जा रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये बात सबके लिए हैरान कौन होती है कि यार कि किस तरह मुमकिन है कि दम किया, दम करने के बाद बंदा उठ के बैठ के ठीक हो गया। वो ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का प्यार है, मेरी खूबी नहीं है, अल्लाह गुआ है, मेरी खूबी एक टके की भी नहीं है, ये बाल है ना, ये मेरी हैसियत नहीं है, बहुत वो मेरी लाज रखता है, मोहब्बत तो मैंने रख की। अच्छा, फिर आपके पास मुख्तलिफ ऐसे लोग भी आते होंगे, आप चलें थोड़ा सा तस्करा उनका भी हो जाए, जो कुरानी नेमत करते हैं और अफाका हो जाने के बाद भी ये कहते होंगे यकीनन कि हम इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, लोगों के मिजाज में हमारे शामिल है। तूने दुखती दुखती रख पे हाथ रख दिए शराबे, मैं कुफरान नेमत का वाकया सुना देता हूं। जी जी। अच्छा, मुझे नहीं खबर थी कि साहब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, मेरे पास आए तो उसको एम्बुलेंस पे लेके आए, दम किया, उसके बाद 2-3 दिन एम्बुलेंस में लेके, पुरानी बात है, वो ठीक हो गया, उसके बाद जो वो क्या नाम है मोटरसाइकिल पे आने लगा, फिर गाड़ी भी आने लगा, फिर मोटरसाइकिल पे आने लगा, वो ढांचे में गोश आ गया, फर्स्ट क्लास हो गया, उसने 1 महीने बाद अपनी ड्यूटी भी ज्वाइंट कर ली, उसके बाद फर्स्ट क्लास ठीक रहा, खा पी रहा मज़े में। तो मैंने पूछा हजरत आपका क्या हाल है, तभी ठीक है, बोला हाँ यार कुछ तो फ़र्क महसूस हो रहा है। मैंने कहा खौफ है खुदा का, तू जब मेरे पास आया था आपके नाक में ऑक्सीजन लगी हुई थी, आप पैरालाइज थे जी, आज क्या कहते हो कुछ फर्क महसूस हो रहा है।
बोला ना कुछ तो लग रहा है, कुछ तो अल्लाह लग को कुफराने नेमत पसंद नहीं आई, रहा उसी लम्हे उस शख्स को वापस वहीं पहुंचा दी जहां से वो चला था। और सारी जिंदगी जो उतर रहा, अल्लाह मुझसे गलती मुझे माफ कर दो, लेकिन कुदरत को शायद उसका कुफराने नेमत पसंद नहीं आया। तो ये आपकी बात वो आप मुझे कहिए, तो हर दूसरे दिन इंसान की बात है, लेकिन कुछ अल्लाह के नेक भी हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। वो कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें शफा दे, बहुत खुद। लेकिन कुछ ऐसे हैं नहीं, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, और एक तुम्हें दो तीन चार चार बंदे उठा के लेके आ रहे हैं, चार चार बंदे, अब तू भाग दौड़ रहा है या भाग दौड़ रही हो तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इंतखाब आलम पूरी बोल रहा हूँ। मेरे असल में वालदा की जो है ना दर्द, मेरी वालदा की एज जो है माशाल्लाह 90 के ऊपर ना, अच्छा, लेकिन अब वो वाकई दवाइयाँ भी खा रही हैं, इलाज भी कर रही है, लेकिन उनके दर्द जो है मुस्तकिल उनके टांगों में ना, नीचे पंजों से लेकर टांगों में मुस्तकिल दर्द चल रहा है। मैं नहीं समझ पाया, फिजियोथेरेपी भी हो रही है। तो ठीक है, अच्छा, आवाज मेरे पास फ्लोर के ऊपर थोड़ी सी काम। मेरी वालदा के दर्द है। जी जी, मेरी वालदा 90 से अबव है। जी जी, और उनके जो है वो दर्द मुस्तकिल टांगों में रह रहा है। उनके आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। सबसे बेहतरीन काम ये है, जबानी जमा खर्च से कुछ फायदा नहीं, अमल से फायदा। ठीक है, ये शख्स दो बोतलें पानी लेके आ जाए, अगर माँ आने का काबिल लेके आए वरना मत लेके आए। ठीक है, दो बोतलें पानी लेके आ जाए सुबह 11 से रात 8 टाइम में, अपना एड्रेस बता देता हूँ, मैं कराची में बैठता हूँ या करीबी बादराबाद 4 मीनार चुरंगी, चुरंगी पे कैलिफोर्निया पिज्जा की शॉप पे, उसके पीछे वाली बिल्डिंग के नाम है किशोर भी, उसमें बैठता हूँ सुबह 11 से रात 8 रोजाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। सिलानी वाले हम दोनों गली में, कोने में सिलानी वाले गली के सेंटर में हमारी जगह है, वहाँ ही बोर्ड लगा हुआ नीचे गेट पे, नीचे गेट पे लगा हुआ है, आला खाज या खुन जरा दीन मोहम्मद का, वही आप ऊपर आ जाए। ठीक है, आप दो बोतलें पानी लेके आए, और जो वालदा की जो तकलीफ है उसको बोलना कोई पेन किलर ना खाए, जो आप यहाँ बैठ के मेरे पास काट कराएंगे, मोबाइल अपने पास लेके आना, मोबाइल साथ लेके आना, घर में कोई शख्स उसके पास ही मोबाइल हो, और वालदा की जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखे, हम ये काट करेंगे, मुझे 2 मिनट के बाद जवाब दे देना। ये बहुत अच्छा तरीका है, और इससे वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे भी बात हो रही, जो शहर कराची में नहीं है, कराची से बाहर लोग हैं, अगर वो रब्ता करना चाहें तो नंबर ऊपर जो दिया गया नंबर है, ये मैं बता देना चाहता हूँ, अक्सर लोग इसके बारे में भी सवाल करते हैं, ये ज़ाती नंबर हैं मौजूद मेहमान, इस वक्त खुले हुए नंबर नंबर खुले, सवाल जो बोल रहा है इसके ऊपर सवाल जवाब हो सकता है, अगर किसी भी मरज़ के हवाले से जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वक्त हमारे पास कम है, सवाल कुछ और भी हैं, एक टीबी के हवाले से सवाल है, इसका इलाज आपके पास? जी टीबी काबिल इलाज मर्ज है, हाँ टीबी ये हेपेटाइटिस सी है, ये काबिल इलाज मराज है, और अल्हम्दुलिल्लाह के लोग इलाज कराते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये देखें एक मर्ज का इलाज नहीं है, सलाम मौत है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप पास जिंदगी है ना, मेरे पास जिंदगी है, किसी के पास जिंदगी तो उसका इलाज है, वाह, किसी के पास जिंदगी नहीं है उसका इलाज नहीं है, क्योंकि मौत का इलाज अभी दरअसल नहीं हुआ, नहीं हुआ। बहुत जिसको जो अभी कॉल आई थी उस समय तमाम लोग जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है टांगों में टखनों में गले में वहाँ पर हाथ रख ले, बिस्मिल्लाह अल्लाह सब की तकलीफ मारी जिन जा दो मुश्किल परेशानियाँ खत्म हो, शफा मिले मकमल, शफा मिले पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पे गालिब, सारी कायनात हर इंसान और मुल्क इस्लाम पाकिस्तान तबी आमीन सुब आमीन या रहमत आलमीन, जादू करने कराने वाले मर जाने दिमाग पर जादू को शफा मिले मकमल, शफा मिले आमीन सुब आमीन या रहमत आलमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, अल्लाह पाक शेख से तमाम लोग शफा मिले, छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के तमाम लोगों को शफा मिले, सबको शफा मिले, सभी दूसरी को शादम, सभी दूसरी को शादम, हमेशा को शादम, शादी ब्याह में सारी मुश्किलें खत्म, शफा मिले मकमल, शफा मिले आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, जिंदगी सारे मामले हल जो मैं शादी पाकिस्तान वाली बात है बेटे शफा तुम फलस्तीन के लिए बेहतरीन इंतजाम कर दे, बेहतरीन इंतजाम कर दे। ये मेरे यूट्यूब चैनल है ADM Naturals हाउस है, उसमें ये 24 घंटे आप चाहें तो आपके साथ में मौजूद होता हूँ, आप क्या नाम है पूरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उससे फ़ायदा उठाएं, आप हर घंटे में करें, आधे घंटे में करें, ये पूरा मौजूद है, वहाँ आपकी तकलीफें फ़ौरन ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और टाइमिंग के हवाले से जिसका भी आपने तस्करा किया था एक दफ़ा और बता दीजिए, आज भी मेहरबान लोग हैं दोस्त। जी मैं कराची बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी, चुरूंगी 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में,
सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 का टाइम रोजाना को होता है, इतवार के दिन सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम बीमार तकलीफ में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मेरे पास सस्ता मुस्कुरा पा जाए। पानी की बोतल अपने हमरा दो बोतल पानी भरी लेके आनी, ये जरूरी है। ठीक है जी, जो काबिल इस्तेमाल हो, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये ज़रूरी है। आज भी जो सवाल आते हैं वो इसी हवाले से आते हैं कि पानी कौन सा जो है वो ये मंगवाया जाए। हाँ, ये अभी मेरे पास कभी बोतलों को थैला भर के लेके आता, खाली बोतलों का, इतनी बोतल भी होती, इतनी बड़ी भी होती है, अब क्या समझाएं, पानी किसी बोतल में ले आए कि पानी लेके आए। अजी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है, और ये हफ्ता वार हमारा सिलसिला आज ही के रोज़ ही जारी रहता है। आपके जो बाकी मानदा सवाल हैं, इंशाल्लाह अगली नशस्त में ज़रूर शामिल किए जाएंगे। इजाज़त लेने का वक्त है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।